दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, मानवी ने प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम 89.7% रहा। 91,440 विद्यार्थियों ने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। 81,732 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। 7,534 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। वर्ष 2022 में दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 87.5% रहा था। सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकते हैं। कुल्लू जिले के सुनावर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा की छात्रा मानवी ने 99.14%, 694 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। सीएम सुक्खू ने की घोषणा, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन, धरना खत्म। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हैदराबाद रवाना होने से पहले धर्मशाला में ये घोषणा की। सरकार के इस फैसले से राज्य बिजली बोर्ड के करीब 9,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले आज सुबह राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शिमला के चौड़ा मैदान में जुटे और धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया और ड्यूटी पर लौट गए। तूफान का कहर, सड़क पर जा रहे बाइक सवारों पर गिरा पेड़, एक की मौत, दो गंभीर घायल। ऊना जिले के थाना हरौली के अंतर्गत बुधवार रात को तेज तूफान के चलते पेड़ सड़क पर गिरने से तीन बाइक सवार चपेट में आ गए। तीनों घायलों को ऊना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुंदन 23 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश निवासी अजौली तहसील व जिला ऊना को मृतक घोषित कर दिया। रीशु 18 वर्षीय पुत्र जगदीश शर्मा निवासी अजौली को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अंशुल कपिला 24 वर्षीय पुत्र बालकिशन कपिला निवासी अजौली ऊना अस्पताल में उपचार धीन है। पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है। ऊन फेडरेशन की कार्डिंग यूनिट में भड़की आग, मशीनें, रजाइयां, गद्दे, राख, लाखों का नुकसान। शिमला जिले के क्वार स्थित ऊन फेडरेशन की कार्डिंग यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान काफी सामान जल कर राख हो गया। आग में 50 क्विंटल ऊन, 2 कार्डिंग मशीनें, 15 रजाइयां, 2 गद्दे, 12 कंबल, 20 हथकरघा मशीन, 1 अलमारी कंप्यूटर और फोटो स्टेट मशीन जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।